स्टूडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 करनी है और एक्सरसाइज 1.6 में दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है हमारा यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। पहले इसकी बात करते हैं, बाद में फिर सेकंड मेथड है क्रेमर रूल, फिर इंशाल्लाह उसकी बात करेंगे। अब देखें ये करना है किस तरह आपने। ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट वाली एक्सरसाइज है और यहाँ पर बोर्ड में लाजमी क्वेश्चन आता है। बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन लाजमी आता है। यहाँ तो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड आता है या क्रेमर रूल आता है, वो आपको आना चाहिए दोनों। अब यहाँ पर देखा जाए तो मैंने इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 1 राइट किया, उसका ये 8वां पार्ट मैंने राइट किया है। और जिस बच्चों के इसकी समझ आ जानी है बाकी वो सारे सवाल खुद कर सकते हैं। अब उसका इसका पहला स्टेप क्या है जी? अब उसने हम इक्वेशन दी हुई है 3x-4y = 4, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। x+2y = 8, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को चेंज करना है मैट्रिक्स में। मेथड का नाम है यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। अब आपने पहले इस क्वेश्चन को चेंज करना है मैट्रिक्स में। अब वो किस तरह चेंज करना है वो देखें। अब वी कैन राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। आप इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करें। अब वो किस तरह, आपने पहले नंबर पर लिखना है ये मैट्रिक्स राइट करें, इसी तरह इधर ही मैट्रिक्स राइट करें, इस तरह इधर ही मैट्रिक्स आप राइट करें। अब इस मैट्रिक्स का नेम है जी ए, इस मैट्रिक्स का नेम है x = इस मैट्रिक्स का नेम है b। पहले मैट्रिक्स का नाम ए है, सेकंड मैट्रिक्स का नाम x है और इस मैट्रिक्स का नाम b। ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म है। हर क्वेश्चन में जब भी आपने यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड करना है तो आपने मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह राइट करनी है, ए मैट्रिक्स, एस मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। अब ए के अंदर क्या राइट करना है आपने, अब देखा जाए ए के अंदर मेरे पास ये x लिखा है, ये x के एस का कोफिशियंट 3 है, एस का कोफिशियंट क्या है हमारे पास 3, तो इधर राइट करें। इधर एस का कोफिशियंट जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है, तो एस का कोफिशियंट 1 है। और इधर वाई के साथ -4 है तो -4 राइट करें। इधर वाई के साथ 2 है तो +2 राइट करें। बस ये ए मैट्रिक्स आपने ध्यान से बनाने, ए मैट्रिक्स आपका ठीक होना चाहिए। ये ठीक ना हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन सारा ठीक नहीं होना। ए मैट्रिक्स का सही होना बहुत ज़रूरी है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। बात क्योंकि इधर माइनस का ध्यान जरूर रखना है आपने, अगर इधर माइनस है तो माइनस लिखिए आप। अब एक्स, एस मैट्रिक्स में यू नो आपने क्वेश्चन में एक्स फाइंड करना है, एक्स वाई, तो एस मैट्रिक्स में आपने दोनों वेरिएबल लिखनी है एक्स एंड वाई, एस और वाई। बी के अंदर आप ये 4 8 राइट कर देना, 4 और 8। ये जी हमारी मैट्रिक्स फॉर्म, इस तरह आपने ये मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। ए एस इज इक्वल टू बी, दोबारा देख लें, ए के अंदर इस क्वेश्चन के वेरिएबल कोफिशिएंट राइट करते हैं, एस के साथ कोफिशिएंट 3 है, एस के साथ 1 है, वाई के साथ -4 है, वाई के साथ 2 है। इस तरह एस के अंदर एक्स वाई जो फाइंड करना वेरिएबल एक्स और वाई, बी में लिखना 4 और 8। अब आपने क्या करना है, अब ये ए मैट्रिक्स एंड एक्स मैट्रिक्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, आप उसे इस तरह कंबाइन कर लें, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एस इज इक्वल टू बी। अब ये मैं स्टेप करवाने लग रहा हूँ, ये आपने हर क्वेश्चन में कर दें, इस स्टेप को आपने हर क्वेश्चन में कर दें। अब आपने इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड हमेशा होता है स्क्वेयर मैट्रिक्स का। लेकिन स्क्वेयर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x2 होना चाहिए, 2x2, 3x3 का भी हो जाता है, लेकिन आपकी बुक में 2x2 का ही स्क्वेयर मैट्रिक्स, 2x2 का ही इनवर्स दिया जाना है। फर्स्ट ईयर में जाके आईकम में एफएससी में जाकर आप 3x3 का भी मैट्रिक्स इनवर्स मेथड यूज करते हो, या क्रेमर रूल भी 3x3 का होता है। तो अभी तो हम 9th क्लास की बात कर रहे हैं, तो 9th क्लास में आप जो इनवर्स लेना वो स्केयर मैट्रिक्स का होना चाहिए, स्केयर मैट्रिक्स का जो आर्डर 2x2 होना चाहिए, 2x2 का आपने स्केयर मैट्रिक्स का इनवर्स लेना चाहिए। अब देखो किस तरह करना है आपने,
तो इधर देखें, अब आप एक्स इज इक्वल टू, अब ए ऊपर देखा जाए तो ए हमारा स्क्वेयर मैट्रिक्स है, टू रो टू कॉलम। इन तीनों मैट्रिक्स में हमने देखना स्केल मैट्रिक्स कौन सा है, तो ए वाला मैट्रिक्स हमारा स्केल मैट्रिक्स है, इसलिए फिर ए को आपने ए इनवर्स में चेंज कर देना। ए को जब इस तरफ लाना है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, ऐसे इधर ही रहने देना आपने, उन्हें ऐसा आपने फाइंड करना है इस मैट्रिक्स, और ए को आपने इधर ले आना है, क्योंकि ए हमारा क्या जी स्केल मैट्रिक्स है, ये आपका क्या जी स्केल मैट्रिक्स है। तो इसी वजह से स्केल मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो टू बाई टू है, टू रो और टू कॉलम, इसलिए ए इनवर्स ए को आपने इस तरफ ले आना है, उसे इनवर्स में चेंज कर देना, बस ये आपने वाजे में रखनी है। और ए इनवर्स का फार्मूला भी आप पीछे सीख कर आए हो 1.5 में, चार पांच सवाल आपने किए, ए इनवर्स का जो फार्मूला है अ जॉइंट ए अवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी, ये जी हमारा ए इनवर्स का फार्मूला है जी, एस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी अजॉइंट ए अवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी। अब हमने यहाँ तक कर दिया सवाल, अब दोबारा सुन ले, हर क्वेश्चन में स्टार्ट इस तरह ही करना है आपने, ठीक है। फार्मूला बनाने के बाद एस के नीचे एस लिखा इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू अजॉइंट ए अवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई का साइन इधर, इसलिए इधर मल्टीप्लाई लिखा और बी लिखा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब हमने फार्मूला में देखना, फार्मूला में हमारे पास है जी एक्स, तो एक्स का मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है, उसके बाद है अजॉइंट ए, देखा जाए तो इधर अजॉइंट ए तो नहीं है, ये आपने फाइंड करना है। फिर है ए डिटर्मिनेंट, ये भी हमारे पास नहीं है। फिर है बी, तो बी देखिए हमारे पास ये ऊपर है बी मैट्रिक्स। फार्मूला में टोटल चार चीज़ें हैं, चार पार्ट हैं, एस वाला एस मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में है, बी मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में है, लेकिन ए डिटर्मिनेंट और अजॉइंट ए हमारे पास नहीं है। अब आपने पहले नंबर पर इन दोनों को फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद फिर फार्मूला राइट करना, फार्मूला राइट करने के बाद इसमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए ना, आप पहले नंबर पर हमेशा ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ए डिटर्मिनेंट देखिए, ए डिटर्मिनेंट तो ए डिटर्मिनेंट ऐड करें 3-1 मैट्रिक्स 3-1 माइनस 4-2 ए डिटर्मिनेंट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 ए डिटर्मिनेंट 3 टू द 6 माइनस माइनस प्लस 1 4 द 4 ए डिटर्मिनेंट और 6 को 4 से मल्टीप्लाई 6 को 4 से प्लस किया 10 है। अब स्टूडेंट आपने अजॉइंट फाइंड कर दिया, ए डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर दिया, यहाँ पर जरूरी बात ये समझ नहीं है, अगर आपका ए डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, बस ए मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर फर्स्ट नेट कर दें, ये आता है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, आपने फिर लिखना था मैट्रिक्स इनवर्स मेथड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, इसलिए मैट्रिक्स इनवर्स मेथड पॉसिबल नहीं है। इधर जो ए डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर क्या होता है जीरो के अलावा जो सा मर्जी आंसर आ जाए, जीरो आया तो फिर ये नॉट पॉसिबल है, तो इधर ही आपने क्वेश्चन को खत्म कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10, अब हमने जॉइंट फाइंड करना, पहले ए मैट्रिक्स राइट करें, ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये 3-4-1-2, अब इसका इधर से अजॉइंट ए फाइंड करें, अजॉइंट ए ये पता आपको प्लेस चेंज 2 इधर और 3 इधर, इसका साइन चेंज माइनस है तो प्लस 4, ये प्लस 1 है तो माइनस 1। देखा जाए तो हमने फार्मूले के मुताबिक हमारे पास अब सारी चीज़ें मौजूद हैं, एस ऑलरेडी हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में था, बी ऑलरेडी हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में था, लेकिन ए डिटर्मिनेंट और अजॉइंट नहीं था, तो हमने फिर दोनों फाइंड किए, पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया फिर अजॉइंट ए फाइंड किया। अब आपने दोबारा से ये फार्मूला राइट करना है, देखो फार्मूला राइट करते हैं, फार्मूला लिखे थी एक्स अजॉइंट ए ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी। अब एस एस का मैट्रिक्स हमारे पास ये एक्स वाई, एस का मैट्रिक्स है एक्स वाई, मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स वाई, इसी तरह ऊपर हमारे पास है अजॉइंट ए, तो अजॉइंट ए का आंसर ये है
ऊपर देखिए पुट करेंगे जॉइंट ए का मैट्रिक्स 2, 4, -1, 3। इस तरह ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास ये 10 मल्टीप्लाई बी, तो बी हमारे पास है 4, 8। अब फ्रेंड आपने ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, देखें रो और कॉलम 2 × 4 + 4 × 8 इस तरह आपने मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह इस रो को इस कॉलम से −1 × 4 + 3 × 8 और नीचे 10 राइट कर दें। दोबारा देखें इस रो को इस कॉलम से 2 × 4 + 4 × 8 −1 × 4 × 3 × 8। अब आपने x में राइट किया, अब आपने 2 × 4 = 8 4 × 8 = 32 −1 × 4 = −4 3 × 24 = 10 एक्स वाई राइट किया जी, अब आपने 32 + 8 + 40 24 में 4 - किया - का साइन है माइनस प्लस माइनस 24 में 4 - किया 20 बड़ी मोटी सा प्लस का साइन है इस तरह 10। अब स्ट्रेंथ ये 10 ऊपर वाले मैट्रिक्स से डिवाइड हो रहा है, आप 10 को दोनों के साथ रहता रहता डिवाइड कर दें, आगे की भी 40 / 10 20 / 10। अब इस तरह देखें एस और वाई, अब 10 × 10 = 10 × 4 = 40 ऊपर 4 है, इसी तरह 10 × 10 = 10 × 20 नीचे 2 है। अब देखिए हम एक्स और वाई फाइंड कर दें, s = 4 s = 4 γ y = 2 सामने सामने आंसर है, s 4 के इक्वल आ जाना वाई 2 के। ये जी आपका मैट्रिक्स इन्वर्स है। एक्सरसाइज 1.6 का दूसरा टॉपिक करना है यूजिंग क्रिमिनल लॉ। पहला मेथड था मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड जो मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बताया। अब क्रिमिनल लॉ आपने किस तरह करना है वो बिल्कुल इजी टॉपिक है, ये भी देखिए आप। अब यहाँ पर भी इसी तरह आपने पहले जिस तरह मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में किया है, अब इधर भी आपने मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। देखें जी राइटिंग मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म राइट करें, इधर मैं मैट्रिक्स फॉर्म को चेंज कर रहा हूँ। आपने ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, आप इधर क्रिमिनल लॉ में मैट्रिक्स फॉर्म इस तरह बनानी है आपने, उसके बाद एक्स इज मैट्रिक्स, उसके बाद बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स। अब फ्रेंड आपने उसी तरह ही जिस तरह मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में किया, अब इधर भी मैट्रिक्स फॉर्म, बस ये चेंज हुआ ए इधर आया, पहले ए इधर था मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में, बाकी सेम टू सेम उसी तरह ही। अब ए मैट्रिक्स में इस क्वेश्चन के कोफिशिएंट राइट करने हैं, एस के साथ कोफिशिएंट 3 है, इस एस के साथ 5 है, 5 है, इस वाई के साथ -2 है, इस वाई के साथ भी -2 है। दोबारा से सुनने बाद ए वाला जो मैट्रिक्स है वो हर सूरत में ठीक होना चाहिए, ये आपने बड़ी तवज्जो से बड़े ध्यान से आपने ए मैट्रिक्स राइट करना है। उसके बाद एस है, उसी तरह एस के अंदर एक्स वाई राइट किया, बी बी हमारे पास है -6 - 10 ये आपने बनाएंगे मैट्रिक्स का। अब क्रिमिनल लॉ का जो फार्मूला वो देखें, एस ए एक्स और ए डिटर्मिनेंट वाई ए वाई और ए डिटर्मिनेंट, ये क्रिमिनल लॉ का फार्मूला है। आपने इसी तरह करना है राइट मैट्रिक्स फॉर्म, पहले एस इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट आपने राइट कर लेना है। अब इधर भी आपने पहले नंबर पर ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए डिटर्मिनेंट पहले नंबर पर आपने फाइंड करना है। देखें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मतलब ए डिटर्मिनेंट, उन्होंने इधर ए डिटर्मिनेंट है, इधर भी ए डिटर्मिनेंट है, तो आपने एक दफे फाइंड करना है ए डिटर्मिनेंट। तो देखें ए मैट्रिक्स 3 − 2 − 5 - 2 अब ए डिटर्मिनेंट 3 × −2 इधर आपने माइनस का साइन ऐड किया, 5 × −2
8 डिटरमिनेंट, 3 टू द माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, 5 टू द 10, 8 डिटरमिनेंट और 10 में 6 माइनस किया 4, ये हमारा आया कि 8 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4। ये समझिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। 8 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4। अब आपने दो चीज़ें और फाइंड करनी है, ए एक्स फाइंड करना है आपने और ए वाई, और ये सबसे जी पॉइंट समझने वाले इस क्वेश्चन में, तो देखो वो आपने किस तरह फाइंड करना है, ए एक्स डिटरमिनेंट इस तरह आपने इधर ए वाई फाइंड करना है, ए वाई डिटरमिनेंट। स्टूडेंट ए एक्स का आपने कोड याद रखना है 32 और ए वाई का कोड याद रखना है 13। मेथड तो बहुत सारे समझाने के, लेकिन हमने आसान मेथड ही यूज़ करते हैं, जो आसान ट्रिक है जिसमें आपको इजी समझ आ जाए। ए एक्स के लिए आपने 32 याद रखना है, ए वाई के लिए 13, अब ये क्या है 3, 2 और 1, 3। अब ये आपने क्वेश्चन में साथ राइट नहीं करना, आपने जेन में रखना है आपने, ठीक है। अच्छा आप लेड पेंसिल से राइट करो, बाद में रेज कर दें क्वेश्चन में। अब आपने ए एक्स 32 है, ए वाई 13 है, अब ये कहिए आप देखो। अब मैट्रिक्स फॉर्म में आते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में आपने राइटिंग मैट्रिक्स फॉर्म फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। समझाने के लिए ये ए एस में जो हमारा जो कोड है वो 32 है, ए एस में कोड है 3 2 32, ए वाई में कोड है 1 3। अब ए एस में कोड 32 है तो पहले नंबर पर 3 है। अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में देखेंगे ये तीसरा, अब देखें ये 1 कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, इस तरह देखते हैं 1 कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब ए एस में पहला नंबर है 3 तो आप तीसरा कॉलम इधर ऐड करें -6 -10। इस तरह स्टूडेंट दूसरे नंबर पर 2, अब इधर सेकंड कॉलम ये राइट करें -4 -2। ये जी ए एक्स फाइंड करने का तरीका, वो मैंने इजी करके आपको बता दिया, बस एक कोड याद रखें आपको समझ आ जानी है। ए एक्स में आपने 32 याद रखना है, 3 और 2, पहले 3 है 3 बस आपको पता होना चाहिए, ये 1 कॉलम ये सेकंड और ये थर्ड, ये तो फाइंड करना है ना, ये नहीं आपने इधर लिखने की, ये 1 2 और 3, पहले 3 लिखा फिर सेकंड कॉलम लिखा। ए वाई में हमारा कोड है 1 3, तो देखा जाए तो इधर 1 कॉलम हमारा 3 और 5 दूसरे नंबर पर 3 है तो तीसरा कॉलम हमारे पास -6 और -10। स्टूडेंट ये हमारा ए एक्स और ए वाई, ये हमने कोड याद रखना है। अब इसकी दूसरी बात ये भी समझना है, जब आपने ए एक्स फाइंड करना है तो एस के अंदर एस के कोफिशिएंट राइट नहीं करना, ये समझे ये दूसरा तरीका जेन में रखने का बता रहा हूँ, वैसे आसान तो ये 32 और 13। जब ए एस आपने राइट करना है तो एस के अंदर एस के कोफिशिएंट राइट नहीं करने, वाई के कोफिशिएंट राइट करने, देखें ये वाई के कोफिशिएंट राइट किए -2 और -2, इधर देख ये वाई के कोफिशिएंट है और ये हमारा बी का मैट्रिक्स है, ये तरीका समझने का। और ए वाई के अंदर वाई के कोफिशिएंट राइट नहीं करने, अब ये देखें 3 और 5, इधर हमने एक्स का कोफिशिएंट राइट किया और ये हमारा बी है, ये दूसरा मेथड है सीखने का, लेकिन वो आपने वैसे मैंने बता दिया, आपकी मर्जी है जिसको मर्जी फॉलो कर दो। वैसे दूसरे मेथड में ये है जब ए एक्स फाइंड करना है तो एस के कोफिशिएंट तो राइट करने ही नहीं, ठीक है वो वाई के कोफिशिएंट राइट करने हैं। इस तरह ए वाई में वाई में वाई के कोफिशिएंट राइट नहीं करते, एस के कोफिशिएंट राइट करने हैं इस तरह। लेकिन चले वो मैंने बता दिया, लेकिन आपने ये कोड याद रखें, ये ज़्यादा इजी है समझने में। ये ज़्यादा इजी है, ए एक्स के लिए 32 याद रखें, ए वाई के लिए 13 याद रखें, वो मैंने बता दिया। ए एक्स में 32 है तो पहले 3 वाला कॉलम, फिर 2 है तो सेकंड कॉलम राइट करें, ए वाई में 13 का ऑर्डर पहले 1 है तो 1 कॉलम राइट करें, फिर 3 और फिर 3 वाला कॉलम राइट करा। मैंने काफ़ी बात की है तो आपकी इंशाल्लाह समझ आ जानी चाहिए। अब आपने ए एक्स
डिनोमिनेटर फाइंड करना, माइनस सिक्स मल्टीप्लाई माइनस टू, इधर माइनस का साइन, माइनस टेन मल्टीप्लाई माइनस टू, ए एक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स टू द ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस टेन टू द ट्वेंटी, ए एक्स ट्वेंटी में ट्वेल्व माइनस किया माइनस एट, ये आपने एक्सपेंड कर दिया। अब इधर ए वाई फाइंड करना है, थ्री मल्टीप्लाई माइनस टेन, थ्री मल्टीप्लाई माइनस, इधर माइनस का साइन, फाइव मल्टीप्लाई माइनस सिक्स, ए वाई और थ्री टेन द थर्टी, माइनस माइनस प्लस फाइव सिक्स द थर्टी, ए वाई और थर्टी में माइनस के थर्टी जीरो है, माइनस माइनस प्लस माइनस। अब फ्रेंड आपने ए एक्स और ए वाई फाइंड कर दिया, अब आपने दोबारा से ये फार्मूला राइट करें, जो इसको फार्मूला राइट कर इधर लिखें, इधर एक्स का काम हो जाए, एक्स एक्स का फार्मूला राइट करें, ए एक्स डिटर्मिनेंट, इधर वाई ए वाई और ए डिटर्मिनेंट, ये आपने राइट कर दिया। अब फ्रेंड आपने एक्स ए एक्स ए एक्स का आंसर आया माइनस एट, पहले एक्स तो एक्स का आंसर लिखें, डिवाइड ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास फोर, फोर लिखें, एक्स फोर वन द फोर, फोर टू द एट, एस इज इक्वल टू माइनस टू, ये हमारा एक आंसर आया दूसरा आंसर, वाई ए वाई इज इक्वल टू जीरो, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फोर, फोर मैट्रिक्स पुट किया जी, ए वाई हमारे पास जीरो जीरो लिखा, ए डिटर्मिनेंट फोर, फोर लिखा, जीरो को फोर से डिवाइड किया ये जीरो आया। इस तरह ये आपने पिथागोरस रूल भी समझ लिया। बाकी स्टूडेंट कल इंशाल्लाह आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, तो कल इंशाल्लाह हम इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है।